जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा घुवारा के प्रबंधक संतोष कुमार पांडे पर किसानों के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम बड़ा मलहरा को शिकायत की है। मौजूद किसानों ने एसडीएम विकास कुमार आनंद से शिकायत करते हुए बताया है कि हम किसान बैंक जाते हैं तो बैंक में शाखा प्रबंधक संतोष कुमार पांडे के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और डेली बड़ा मलहरा से आना जाना करते हैं, जिससे बैंक में 1 बजे तक आते हैं, जिससे हम किसान परेशान होते रहते हैं। वहीं हम किसानों का समय से काम नहीं करते हैं, किसानों के पैसे निकलने सहित जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और सैकड़ों किसान शाखा प्रबंधक के इंतजार में बैठे रहते हैं। किसानों ने कहा है कि संतोष कुमार पांडे को घुवारा से हटाया जाए। एसडीएम विकास कुमार आनंद ने कहा है कि शाखा प्रबंधक संतोष कुमार पांडे से किसान असंतुष्ट है और मैंने आके देख लिया है, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। उन पे भी किसानों ने आरोप लगाया, जैसे उनने पहले समिति प्रबंधक से बोला हमको समायोजन दो, तो समायोजन समिति प्रबंधक ने दे दिया। इसके बाद वो आरोप नहीं काट रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं किसानों को, बोलते हैं ऐसा वैसा प्लान, खाद आ जाता है तो वो नकदी पे बेकवाते हैं, नहीं जैसे आ जाए थोड़ा खाद आ जाए तो वे हाउस में नकदी में बेचते हैं और बाकी उनका ना समायोजन कहते हैं ना कुछ कहते हैं, आरोप नहीं काट रहे, सुनाते नहीं जा, गए थे बैंक तो मिले नहीं है। कितनी बार हो गया है किसान? अभी कम 4-5 बार हुआ है किसान, 2 घंटा बैंक के सामने खड़े भी रहे, 2 घंटा उनके नाल सर। मैनेजर के वातावरण से किसान असंतुष्ट है सर, क्योंकि मैनेजर के व्यवहार से किसान भाई असंतुष्ट है, जैसा कि मुझे यहाँ आके महसूस भी हुआ और किसानों ने बात भी रखी है, सो उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए घुवारा से टिंकू गोस्वामी की रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक मर्यादित शाखा घुवारा के प्रबंधक संतोष कुमार पांडे पर किसानों के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम बड़ा मलहरा को शिकायत की है। मौजूद किसानों ने एसडीएम विकास कुमार आनंद से शिकायत करते हुए बताया है कि हम किसान बैंक जाते हैं तो बैंक में शाखा प्रबंधक संतोष कुमार पांडे के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और डेली बड़ा मलहरा से आना जाना करते हैं, जिससे बैंक में 1 बजे तक आते हैं, जिससे हम किसान परेशान होते रहते हैं। वहीं हम किसानों का समय से काम नहीं करते हैं, किसानों के पैसे निकलने सहित जगह पर परेशानी का सामना करना पड़ता है और सैकड़ों किसान शाखा प्रबंधक के इंतजार में बैठे रहते हैं। किसानों ने कहा है कि संतोष कुमार पांडे को घुवारा से हटाया जाए। एसडीएम विकास कुमार आनंद ने कहा है कि शाखा प्रबंधक संतोष कुमार पांडे से किसान असंतुष्ट है और मैंने आके देख लिया है, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। उन पे भी किसानों ने आरोप लगाया, जैसे उनने पहले समिति प्रबंधक से बोला हमको समायोजन दो, तो समायोजन समिति प्रबंधक ने दे दिया। इसके बाद वो आरोप नहीं काट रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे हैं किसानों को, बोलते हैं ऐसा वैसा प्लान, खाद आ जाता है तो वो नकदी में बेकवाते हैं, नहीं जैसे आ जाए थोड़ा खाद आ जाए तो वो हाउस में नकदी में बेचते हैं और बाकी उनका ना समायोजन कहते हैं कुछ कहते हैं, आरोप नहीं काट रहे, सुनाते नहीं जाए, गए थे बैंक तो मिले नहीं है। कितनी बार हो गया है किसान? अभी कम 4-5 बार हुआ है किसान, 2 घंटा बैंक के सामने खड़े भी रहे, 2 घंटा उनके नाल सर। मैनेजर के वातावरण से किसान असंतुष्ट है सर, क्योंकि मैनेजर के व्यवहार से किसान भाई असंतुष्ट है, जैसा कि मुझे यहाँ आके महसूस भी हुआ और किसानों ने बात भी रखी है, सो उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए घुवारा से टिंकू गोस्वामी की रिपोर्ट।